दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने ही आपको बताया था कि भारत सरकार हो सकता है, क्योंकि यूएस में दोस्तों ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी कि भारत सरकार भारत के अंदर जो मिड रेंज फोन है ना दोस्तों, मतलब सबसे चीप अफोर्डेबल फोन 12-13 हज़ार, उससे नीचे के फोन्स को दोस्तों बैन करने वाली चाइनीज कंपनीज नहीं बना सकेगी, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व करेगी भारतीय वेंडर्स के लिए, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसा होने वाला है दोस्तों। इस चीज पे दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अब दोस्तों सरकार ने क्लियर बोल दिया कि ऐसा हम नहीं करने वाले, सरकार का लॉन्ग टर्म विजन है, सरकार यहाँ पे एक्सपोर्ट में किंग बनना चाहती है, और यहाँ पे सरकार ने बोला कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई भी चाइनीज कंपनी को हम ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों एक रिपोर्ट भी बता रही कि चाइनीज कंपनीज ऑलरेडी दोस्तों सिम ऑन कर चुकी है, चाइनीज कंपनीज दोस्तों ऑलरेडी सस्ते फोन बनाना बंद कर चुकी है, वो महंगे फोन भारत में बेच रही है दोस्तों। क्या है पूरी खबर, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने ही आपको बताया था कि अमेरिका में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया था कि भारत सरकार जल्दी 12,000 से नीचे के सेगमेंट के फोन को बैन करेगी, चाइनीज कंपनीज नहीं बना सकेगी। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों बहुत बड़ा था, क्योंकि और इस चीज को इससे भी जोड़ा गया था कि भारत की जो कंपनी लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, इनको दे दिया जाएगा कि आप बनाओ, तो आप यहाँ पे जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल, आप तो बाकी कोई रहेगा ही नहीं चाइनीज कंपनी, तो आप ही मार्केट में बेच सकेंगे, ये तो आपको अच्छा खासा पुश स्टार्ट मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन दोस्तों सरकार ने दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए, उसके बाद मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगा। सरकार ने दोस्तों दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए, और यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट टू इंटरवीन इफ इंडियन ब्रांड्स हर्ट बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दोस्तों यहाँ पे मिस्टर राजीव चंद्रशेखर है, इन्होंने एक चीज बताई कि अगर यहाँ पे भारत के अंदर सही तरह से फेयर प्ले नहीं करती और यहाँ पे भारतीय कंपनियों को क्राउडिंग आउट ऑफ इंडियन ब्रांड्स ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, भारतीय कंपनियों दोस्तों यहाँ पे आप मार्केट से बाहर कर रहे हैं गलत तरह की स्ट्रेटेजी यूज करके, जानबूझ के धोखाधड़ी देके या उनको बेचारों को नीचे कर रहे हैं, सही तरह से फेयर प्ले नहीं खेल रहे बिजनेस के अंदर, तो भारत सरकार इंटरवीन करेगी हमारी भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए। लेकिन सेम डे दोस्तों या सेम डे सरकार का ये स्टेटमेंट आया लोकसभा के अंदर, इंडिया डज नॉट प्लान टू रिस्ट्रिक्ट लो कॉस्ट फॉरेन स्मार्टफोन सेल। दोस्तों इन्होंने, और यही राजीव चंद्रशेखर थे, इन्होंने क्लियर बता दिया कि फॉरेन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है जो $150 के नीचे नहीं, ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार के नीचे है, इनको हम बंद नहीं करने वाले। इन्होंने क्लियर बोलते कि ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, वी आर नॉट प्लानिंग, देर इज नो सच प्रपोजल इन आवर मिनिस्ट्री, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि हम यहाँ पे बैन कर दे, तो सरकार इसको बैन नहीं करने वाली। तो चाइनीज कंपनीज के लिए तो राहत की बात है, डेफिनेटली वो अच्छा खासा पैसा कमाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, चाइनीज कंपनीज ने पिछले 1.5 साल के अंदर सस्ते फोन बनाने बंद कर दिए। अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको पता चलेगा 12,000 से नीचे के फोन अब पहले जितने नहीं आते, पहले साल में हर महीने आपको कुछ नया फोन देखने को मिलता, लेकिन अब इन्होंने कम कर दिया, ज्यादातर फोकस करते हैं 15,000 से ऊपर, 15, 20, 25, 30, 35 और अब तो 65, 70 हज़ार के फोन पे ही कमा रही है, क्योंकि कम फोन जो मार्जिन वाले होते हैं ना, सस्ते फोन, उनमें इनकी बोलते हैं ना पैसे ज्यादा लगते हैं, कमाई कम होती है। देख सकते हैं चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स मूव आउट ऑफ लो कॉस्ट मॉडल, सस्ते फोन से आगे आ चुकी है, ये नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट बता रही है चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स आर ऑलरेडी मूविंग अवे फ्रॉम द मैसिव वॉल्यूम सेगमेंट ड्यू टू लो मार्जिन, कम मार्जिन में काम करना पड़ता है दोस्तों, हाई इनपुट कॉस्ट होती है, लो डिमांड होती है, डिमांड भी कम होती है, पैसा भी ज्यादा लगता है, कमाई कम होती है। इस चीज को देखते हुए दोस्तों कंपनियां जो है धीरे धीरे 12,000 से ऊपर के सेक्शन में जारी नहीं जाती है, खास करके चाइनीज ब्रांड ओप्पो और वीवो की बात करें 2021 तक दोस्तों इनके मॉडल 10,000 के नीचे आते थे। अब यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, ये 2021 की बात चल रही है दोस्तों, यहाँ पे हैवेंट लॉन्च न्यू मॉडल, अभी तक कोई नया मॉडल यहाँ पे लॉन्च नहीं किया दोस्तों इन्होंने। और अगर बात करें साउथ कोरियन कंपनी दोस्तों यहाँ पे सैमसंग, तो दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट 13% ही दोस्तों टोटल इसका जो शेयर है 13% पे यहाँ पे, मतलब इसका भी ज़्यादा नहीं है, 2018 से एक बात चली दोस्तों यहाँ पे, तो सो बात की एक बात है दोस्तों, कंपनी यहाँ पे मॉडल कम लॉन्च करी। अगर बात करें यहाँ पे एक रिपोर्ट बता रही है कि अगस्त 2022 में 39 मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए 12,000 से नीचे, यस अगर बात करें दोस्तों एक साल पहले तो दोस्तों ये 60 हुआ करते थे, ये 39 पे पहुंच चुके, तो धीरे धीरे कंपनी क्या दोस्तों अपना कम कर रही है, 12,000 के फोन आपको बहुत कम मिलने वाले, कंपनी धीरे धीरे अपना कमाई बढ़ाने के लिए महंगा, क्योंकि जितना महंगा फोन होगा उतना ज्यादा कंपनी मिलेगी। याद रखो इसके अंदर एप्पल तो कहीं नहीं आता, क्योंकि एप्पल के सारे फोन 35, 50, 60 हज़ार, 1 लाख के आते हैं, तो यहाँ वैसे ही कंपनी अपने आपको प्रीमियम बना रही है, जितनी भी कंपनी ओप्पो वीवो शाओमी जैसी कंपनियां अब यहाँ पे दोस्तों 12-15 हज़ार में ज़्यादा खेल नहीं रही है, बहुत कम लॉन्च करती है, ज़्यादातर उनके फ़ोन 15,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलते हैं, 15, 20, 25 और अब तो 235, 50 जो रेनो सीरीज जैसी आती 35, 40, 45, 50 और वीवो की एक सीरीज जो आती है 260,000, 65,000, 70,000, तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बिक रही है। तो अभी फिलहाल दोस्तों अगर बात कर लिया तो सरकार ने तो क्लियर बोल दिया कि कोई किसी तरह का बैन नहीं होने वाला 12,000 से नीचे, लेकिन अगर चाइनीज कंपनीज दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे बंद करी तो ये क्या भारतीय कंपनियों के लिए एक अवसर है
भारतीय कंपनी को दोस्तों यहाँ पे बताना चाहिए कि मिडिल रेंज के अंदर 10-12 हज़ार के अंदर हम सस्ते 5G फोन दे सकते हैं, बेहतरीन फीचर वाले फोन हैं, क्योंकि ये एक अवसर है कंपनियों के लिए। और कंपनियां माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी अगर अच्छे फोन लॉन्च करती है लो बजट के अंदर बेहतरीन फीचर के साथ, तो डेफिनेटली फिर उसके साथ वो हाई एंड फोन भी लॉन्च करेगी, क्योंकि दोनों तरह के जो कस्टमर मार्केट के अंदर है, सस्ता लेने वाले भी महंगा लेने वाले, तो कंपनियों को सबसे पहले सस्ता स्टार्ट करना चाहिए, लोअर इनकम के ग्रुप को पकड़ना चाहिए, उसके बाद धीरे 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 हाई एंड फोन भी लॉन्च करने चाहिए, जिससे दोस्तों लोगों को अच्छे अच्छे कैमरास, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे प्रोसेसर देखने को मिले। फिर सबसे बड़ी खबर दोस्तों की, सरकार ने तो बैन नहीं लगाया लेकिन कंपनियां ऑलरेडी दोस्तों इससे ऊब चुकी है, सस्ते में उनको मजा नहीं आता, वो महंगे फोन यहां पे बेच रही है चाइनीज कंपनीज। ये वीडियो अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगाओ थम्स अप जो देते हैं, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डेफिनेट चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के VIP मेंबर बन जाइए हमारे, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंचे, तो जल्दी से दबा दीजिए, इसके पास दिखिएगा घंटी का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को भी जो दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो जरूर कर देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक वॉच, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।